में लव जिहाद मामले को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच इस मामले में अब राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केरल में लव जिहाद के मामले की जांच कराने को तैयार हो गई है। आपको बता दें, इससे पहले राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NIA से कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अपने फैसले में तब्दीली करते हुए सरकार ने 90 मामलों की एक लिस्ट बनाई है जिनकी जाँच NIA करेगी। केंद्रीय जाँच एजेंसी NIA ने लव जिहाद के मामले में दो हिंदू लड़कियों का बयान भी दर्ज कर लिया है। बयान के मुताबिक दोनों लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया था और मुस्लिम साथी के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि मामले में अभी जांच पूरी नहीं हुई है। वहीं NIA जल्द 2015 से अब तक केरल पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 90 मामलों की जांच शुरू करेगी। बता दें कि ये मामला एक हिंदू महिला के धर्मांतरण उसकी मुस्लिम युवक से शादी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कहा था कि हिंदू महिला के धर्म परिवर्तन और मुस्लिम युवक से शादी के मामले की जांच करें, क्योंकि एजेंसी ने दावा किया था कि ये कोई अलग मामला नहीं है बल्कि केरल में सिलसिला चल रहा है। अदालत ने NIA को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस RB रविंद्रन की निगरानी में घटना की जांच के आदेश दिए थे। SPNI न्यूज रूम की रिपोर्ट।